नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। अयोध्या में आयोजित होने वाला राम जन्मभूमि का प्रतिष्ठा समारोह आतंकवादियों के निशाने पर है। राजनेताओं और नौकरशाहों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया है अलर्ट। हालांकि अयोध्या वो जगह है जहां से पहले भी रेड अलर्ट रहता है और कई लेयर्स की चेकिंग के बाद ही आप अयोध्या में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे सहयोगी ओपी तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ओपी, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने हालांकि पहले से ही तैयारी कर रखी है कि अयोध्या में अगर इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है तो क्या सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इस ट्रेंड को देखकर अगला कदम? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस अलर्ट के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और तमाम आतंकवादी संगठन इस साजिश के पीछे हैं। लिहाजा इस बैठक में तय किया गया कि अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों को पूरी तरह से घेराबंदी की जाए और ऐसे जगहों को चिन्हित किया जाए जहां पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI आतंकवादी संगठन से जुड़े लोग वहां पर अपनी पैठ बना सकते हैं। साथ ही निर्देश भी दिए गए कि इस आयोजन के पहले तमाम जो VVIP जो वहां पर आने वाले हैं उनके रास्तों की पूरी तरह से वहां रैकिंग की जाए और उन जगहों पर ऐसे जगहों को चिन्हित किया जाए जो संदेहास्पद हो सकते हैं, वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई जाए। प्रतिदिन ये कहा गया है कि जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा समारोह समीप आता जाए वैसे वैसे वहां पर जो है सुरक्षा के जो दायरे हैं वो बढ़ा दिए जाए और मेन प्रतिष्ठा वाले दिन उसके 72 घंटे पहले ही पूरे इलाके को इस तरह से चिन्हित कर लिया जाए कि वहां पर परिंदा पर भी ना मार सके। लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और उसके सहयोगी संगठनों की पूरी कोशिश है कि अयोध्या में किसी भी तरह से माहौल खराब किया जाए अयोध्या मामले को लेकर, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी हो सके। लेकिन खुफिया एजेंसियां इसके लिए पूरी तरह सतर्क है, सुरक्षा बलों के साथ लगातार बैठकें कर रही है। जी ठीक है ओपी, बहुत शुक्रिया आपका यह जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अयोध्या में निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर रहेगी क्योंकि जाहिर तौर पर भव्य कार्यक्रम है, ऐसे में आतंकियों की कोशिश माहौल को खराब करने की होगी। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। अमित, सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती यहां पर होने वाला है, अलर्ट भी जारी किया गया है, किस तरीके की तैयारियां अयोध्या में देखने को मिल रही है? देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं सुरक्षा की तैयारी अयोध्या में क्या है। देखिए, पीछे ये रास्ता है, इससे बैकुंठ धाम यह इलाका है और इससे कुछ ही दूरी पर राम मंदिर परिसर स्थित है, महत्वपूर्ण अखाड़े स्थित है और इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जो यहाँ पर तैनाती है, मल्टी लेयर्ड जो सिक्योरिटी है, ये बाहरी इलाका है इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरीके से पिछले 15 दिनों से लगातार हर वाहन पे, हर शख्स पर ये नजर बनाए हुए हैं और बराबर अपने कंट्रोल रूम के संपर्क में हैं। और यही नहीं, डोर टू डोर वेरिफिकेशन कैंपेन चल रहा है, एक एक शख्स को वेरीफाई अयोध्या पुलिस कर रही है। ड्रोन मूवमेंट जो ट्रैकिंग डिवाइस है वो भी अमल में ला दी गई है। तो इसका मतलब साफ तौर पर जो ये इनपुट मिला है बेहद गंभीरता से ले रही है और सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या में उच्चतम स्तर की कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। एक सवाल मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी कि मेरा निजी अनुभव अयोध्या को लेकर यह कहता है कि अब से पहले जितने बड़े कार्यक्रम हुए हैं उसमें आधार कार्ड, जो स्थानीय लोग हैं उनके आधार कार्ड के आधार पे उन्हें इन करने दिया जाता था और जो भी बाहरी लोग हैं पहले कार्ड सारे चेकिंग होंगे, उसके बाद मकसद पूछा जाएगा और जब ऑफिसर को लगेगा कि इन्हें इन कराया जा सकता है तो वो इन करेंगे, नहीं तो नहीं। अब जब इतना बड़ा थ्रेट आ चुका है तो कैसे मूवमेंट आप चारों तरफ, मतलब अयोध्या की चौहद्दी पे क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जो चेकिंग है, पुलिस की जो चेकिंग है वो बढ़ा दी गई है और जो वेरिफिकेशन ड्राइव है उस पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है। पहले डोर टू डोर वेरिफिकेशन ड्राइव जो अयोध्या पुलिस की थी वह दिन में 2 या 3 बार चल रही थी, लेकिन अब उसका दायरा 4 या 5 बार बढ़ा दिया गया है। ये पहली चीज़ है। दूसरा, 10 किलोमीटर से आगे बढ़ाकर ये करीब 13-14 किलोमीटर कर दिया गया और जो 16 जोन अयोध्या में सिक्योरिटी के बड़े हैं उनको भी सब जोन्स में बांटा गया है सिक्योरिटी के, ताकि एक एक टीम एक एक इलाके को अच्छी तरीके से चेक कर सके और सबसे बड़ी चीज संदिग्ध जो है उसकी निगरानी हो सके और कुछ भी संदिग्ध लगे तो उस पर काबू भी पाया जा सके। बिल्कुल, तो अमित खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और अयोध्या से तस्वीरों के जरिए ये बता रहे हैं। शुक्रिया अमित आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम फिलहाल अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं।
मंदिर इतना भव्य है तो जो उसमें कपाट लग रहे हैं वो भी उतने ही खूबसूरत होने चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखा गया और इसीलिए राम मंदिर में सोने के दरवाजे लगाए गए हैं। चार दरवाजे लगाने का काम कर लिया गया है, राम मंदिर के गर्भगृह में सोने के चार दरवाजे लगाए गए हैं, अभी और 10 दरवाजे लगने बाकी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लकड़ी से बने दरवाजे लेकिन सोने की परत इन पर चढ़ाई गई है। ऐसे चार दरवाजे मंदिर परिसर में लगाए जा चुके हैं, अभी कुछ और दरवाजे लगने हैं। चार दरवाजे यानी कि जो चार एंट्रेंस है मंदिर की, किसी भी मंदिर में आप जाइए चार एंट्रेंस होती है परिसर में, उसमें ये दरवाजे लगा दिए गए हैं। परिक्रमा आप लगाएंगे, जैसे सिंह द्वार से अगर आप घुसते हैं यानी कि जो मुख्य दरवाजा है वहां से सीधे आपको रामलला की सबसे पहले मूर्ति, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं चार दरवाजे द्वार नंबर 1 यानी कि सिंह द्वार से जब आप एंटर होंगे तो सबसे पहला जो आपको मूर्ति के पास दरवाजा दिखाई देगा वो दरवाजा, दूसरा दरवाजा, तीसरा और चौथा, सभी जो है सोने की परत से चढ़े हुए ये दरवाजे हैं जिन पर नक्काशी की गई, गजराज बनाए गए हैं जो इंद्र के वाहन हैं और साथ ही साथ शुभ माना जाता है। जब भी आप कहीं पर मंदिर का कोई दरवाजा देखेंगे तो इसी तरीके की आकृतियां आपको दरवाजों पर नजर आएंगी। तो राम मंदिर को लेकर पूरे देश में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए विमान सेवा आज से शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद से अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट रवाना हुई और इस मौके पर यात्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की पोशाक में दिखे। इस दौरान अहमदाबाद एयरपोर्ट पर केक भी काटा गया है। तस्वीरें आप देखिए, अहमदाबाद से जब पहली फ्लाइट जो अयोध्या के लिए जब उड़ान भरती है तो लोगों की वेशभूषा आप देखिए, राम, लक्ष्मण, सीता के रूप में यहाँ लोग दिखाई दिए, गजब उत्साह लोगों के अंदर देखा गया। और भारत के अलग अलग हिस्सों से, क्योंकि आप अयोध्या फ्लाइट के जरिए पहुंच चुके हैं तो जहां जहां से फ्लाइट की शुरुआत होगी इसी तरीके की खूबसूरती देखने को मिलेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है। इस मौके पर अयोध्या की छावनी मंदिर में दीपावली मनाई गई, मंदिर को दीपों से सजाया गया और लगातार 12 दिनों तक दीप जलाए जाएंगे। इसके साथ ही 19 जनवरी को अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा दीपक जलाया जाएगा। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यहां पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले किस तरीके से अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है और अयोध्या की ये छावनी मंदिर जहां पर दीपावली मनाई गई और ये सिलसिला अभी आने वाले दिनों तक चलता रहेगा। मंदिर को इसी तरीके से रोजाना दीपों से सजाया जाएगा, 12 दिनों तक लगातार यहां पर दीपक जलाए जाएंगे। तो साधु संतों ने लंबा इंतजार किया है और यही वजह है कि इस उत्सव में वो शामिल हो चुके हैं। श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठान 22 जनवरी से पहले अयोध्या में दिवाली मननी शुरू हो गई है और आप यहाँ मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो दीप हैं, दीप प्रज्वलित होना शुरू हो चुके हैं अयोध्या में और जो संत हैं, संतों की मौजूदगी में यहाँ पर द्वीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। एक एक करके जो द्वीप हैं वह प्रज्वलित किए जा रहे हैं। आम ये जो मंदिर है बहुत ही वैदिक रीति रिवाजों से सिद्ध हुआ यह मंदिर है और देखिए किस तरीके से ये जो द्वीप हैं अलग अलग तरीके से यहाँ को सजाया गया है और इसको जो माने हुए संत हैं उसको प्रज्वलित कर रहे हैं। अगर इससे आगे की आप तस्वीरें देखेंगे तो पूरे मंदिर को यहाँ पर द्वीप से सजाया गया है। उसकी अगर पंक्तियाँ हैं, पूरी पंक्तियाँ यहाँ पर मंदिर में आपको दिखेंगी और ये प्रसिद्ध मंदिर है अयोध्या का। देखिए हम अंदर भी चल रहे हैं और जो दिवाली मनाई जा रही है प्राण प्रतिष्ठा से।